है अपने पेरेंट्स से, तो प्लीज आके अपनी बेटी को ले जाइए। येलो कलर की उसने स्वेटर पहन रखा है, ग्रीन उसकी लैगी है, प्लीज यहाँ से अपनी बेटी को। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि आज है ना कुछ बच्चों ने फॉर्म डाला है, बहुत सारे बच्चों ने पुलिस में, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो मैं एक स्कूल में आया हूँ जहाँ पे सेंटर आएगा बहुत सारे बच्चों का, तो मैं सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में आया हूँ जो कि मेरे सामने, और यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं चुपचाप बना ले रहा हूँ, थोड़ी बहुत वीडियो और क्लिप डाल दूंगा। और सामने विद्या मंदिर बहुत बहुत भीड़ है, यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है, कड़ा धागा कुछ भी, मोबाइल बेल्ट वगैरह कुछ अलाउ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अलाउ नहीं। बाइक खड़ी कर तो चिल्ला रहे हैं यहाँ पे क्यों खड़ी कर दी है, ऐसे हटा यहाँ से। और भाई मतलब बहुत सिक्योरिटी है, ऐसा लग रहा है इलेक्शन हो रही हूँ, पुलिस बहुत फोर्स है यार। अच्छा हमको सिखा रहा है जी, देखो गाइस बहुत भीड़ है ये सरस्वती विद्या मंदिर पे, ये स्कूल। तो गाइस अब मैं घर की ओर चलता हूँ, वरना पता चले ये लोग मुझे लपेट लें, है ना, अपने लपेटे में ले लें मुझे। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं पतली गली पकड़ के। गजब बेइज्जती है। तो गाइस हो चुकी है शाम, और शाम के बज रहे हैं 6:21 हो रहे हैं अभी, और हमारी आज दो दो तीन तीन जगह दावत हैं, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। एक में पैसे वैसे लिखाने हैं और खाना पीना खा के आ जाएंगे, देन उसके बाद फिर दूसरी ग्रीन गार्डन में, एक बालाजी में, फिर उसके बाद ग्रीन गार्डन में, तो उसके बाद ग्रीन गार्डन में जाएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं बालाजी गेस्ट हाउस में, जो कि हम पहुँचने ही वाले हैं, और लक्ष्य अपना फ़ोन में कुछ देख रहा है, तो चलो मिलते हैं आपसे गेस्ट हाउस में पहुँचने के बाद। तो गाइस आपको एक बात दिखाता हूँ कि मैंने आउटफिट कैसी पहनी है आज। तो गाइस गेस्ट हाउस में पहुँचने वाले हैं, हमारे सामने ही है गेस्ट हाउस, बट एक कट लेके सीधे जाना है हमको, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और कमेंट में बता देना कैसा लग रहा हूँ, मैंने ये आउटफिट डाली आज, और लक्ष्य ने भी, ये देख लिया आप, ठीक है। तो दोनों की कमेंट में बता देना कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आज दो दो शादियाँ हैं ना, तो नाक कटानी नहीं है ना, जुड़वानी है, इसलिए फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं, और देखते हैं कैसी डेकोरेशन वगैरह है गेस्ट हाउस में। तो गाइज ये है एंट्रेंस बालाजी गेस्ट हाउस की, और अब यहाँ से हम लोग राइट हैंड पे मुड़ेंगे, यहाँ से रास्ता है ले 70 गांव। ओ भाई सही है डेकोरेशन, और इस साइड जो है खाना चल रहा है, और आज दो जगह दावत है गाइस, दो जगह। ये देखिए कुछ ऐसी डेकोरेशन है यहाँ की, और यहाँ पे भी अंदर भी लोग बैठे हैं, बट हम लोग नहीं जाएंगे अंदर, हम लोग चलते हैं इधर। हम लोगों को बस खाना पीना है और निकलना है, और वो खड़े हैं सामने अंकल जी। कमेंट में बता देना कैसा सजा है ये गेस्ट हाउस, ओके। तो गाइस अब खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, और लक्ष्य भी अपना ब्लॉगिंग करने में लगा पड़ा है अलग। तो गाइस यहाँ पे अभी 6 बज गए हैं, और अभी ज़्यादा कुछ स्टार्ट नहीं है, रसगुल्ला मैंने एक खाया था, और अब अंकल जी कह रहे हैं अभी जहाँ और जगह भी ना, जगह पर भी है ना हमारी दावत, तो ये कह रहे हैं अंकल जी वहाँ पर भी स्टार्ट नहीं होगा, इसीलिए खाना खा ले यहाँ पर, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो खाना पीना खा के गाइस हम लोग निकल लिए हैं यहाँ से ग्रीन गार्डन के लिए। पहले जाएंगे मेरे घर पे,
देन उसके बाद घर पे बातचीत करेंगे क्या मामला है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग जाएंगे ग्रीन गार्डन में। और खाना तो भाई पूछो ही मत, इतना लाजवाब खाना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, तो समझ गई होगी कैसा खाना है ना। प्यारी समझ गई। तो भाई पनीर की सब्जी तो लाजवाब, मानना पड़ेगा। मुँह से आपका मुँह से पानी निकल जाएगा, इतना स्वादिष्ट है, इतनी स्वादिष्ट। नहीं भाई मजाक नहीं कर रहे, अच्छी है भाई, अच्छी बहुत। अब ग्रीन गार्डन का इंतजार है बस, ग्रीन गार्डन भाई। वहाँ पे जो शादी है ना, वो भाई शादी नहीं, एक मतलब ये मान लो कि हिला देगी वो शादी, ऐसी है। इतना बढ़िया खाना होगा ना वहाँ पे, मज़ा ही आ जाएगा। बस वहाँ का इंतजार है मुझे, तो जल्दी से चलते हैं घर पे, लेकिन उसके बाद चलते हैं ग्रीन गार्डन में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और गाइस लक्ष्य अपनी ब्लॉगिंग कर रहा है, और यहाँ से है एंट्रेंस, यहाँ वहाँ सामने से लोग आ रहे हैं, और बढ़िया सजाया गेस्ट हाउस तो फिलहाल। तो चलो गाइस अब चलते हैं। तो गाइस वहाँ से आ चुका हूँ मैं घर पे, फिलहाल लक्ष्य अपने घर पे गया हुआ है, अपने घर का तामझाम देखने क्या चल रहा है उसके घर पे। क्या बोला तूने? और मैं अपने घर पे जा रहा हूँ देखने, और फिलहाल ग्रीन गार्डन में जाएंगे अब, और आपको ना घर दिखाता हूँ जिनकी ग्रीन गार्डन में शादी हो रही है उनका घर। ये वाला है गाइस, पिंक झल्लर वाला। ओ भाई इतना ऊपर करना पड़ रहा है, बताओ इतना बड़ा घर है, और फुल भीड़ वगैरह सब लगी है। ये वाला घर भी सजा हुआ है, और भाई ये देखिए भाई साहब पूरा। अरे भैया वो क्या देख लियो, अरे कैमरा टेढ़ा कर दिया। और आगे देख, चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। हाँ अभी तो ग्रीन गार्डन में भी जाना है। अरे ये हमारे मोहित भैया, तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ घर पे, और मैंने आपको दिखा दिया इन्हीं घर वालों की है मतलब ग्रीन गार्डन में शादी। जब घर इतना अच्छा सजाया तो गाइस आप खुद ही गेस कर सकते हो कि गेस्ट हाउस कितना अच्छा होगा। तो गाइस जिसका बेसब्री से इंतजार था, उस मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं, लाइक ग्रीन गार्डन जो कि हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है। और भाई गली के बाहर ये देखिए गाइस, हाँ भाई सजाया गया है कि लगना चाहिए आदमी को भाई कुछ है गली में, और कुछ तो है। आपको घर दिखा दिया, घर ही इतना अच्छा सजा था, और भाई पूरी गली इतनी अच्छी सजाई गई, और बाहर मेन गली के बाहर इतना बड़ा ये घर था, जैसे आधी गेट नहीं है वैसा ये भी एक गेट बना दिया है, आधी गेट के जैसा इंडियन गेट, इंडिया गेट बन गया भाई। और फिलहाल मैं अभी सर्वज्ञ के साथ आया हूँ, और भाई साहब ग्रीन गार्डन भी अंदर से देखते हैं, बाहर से तो मस्त ही लग रहा है, अंदर से जाके देखते हैं कैसा है। अंदर से एकदम गदर गदर है भाई, खाने पे उतावला, खाने पे टूट रहा है बस, जल्दी जाके है ना। तो चलो आपको दिखाते हैं, सामने ही है हमारे, ये देखिए गाइस। ओह गेस्ट हाउस ग्रीन गार्डन, इंटीरियर ऐसा डिजाइन हुआ है तो अंदर से कैसा ही होगा। चलो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। तो गाइस आ चुके हैं अंदर, और चलते हैं अब। यहाँ पे तो बोला भी नहीं जा रहा शर्म के मारे।
को ले जाइए। येलो कलर की उसने स्वेटर पहन रखा है, ग्रीन उसकी लैगी है। प्लीज यहाँ से अपनी बेटी को शादी से, दोनों शादियाँ जैसे कि आपने दिखा दिया, जो जैसे कि आपने जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया ब्लॉग में। तो गाइस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड बताना कैसा लगा आपको ब्लॉग पसंद, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।